नए वृद्धा पेंशनर्स की बेनिफिशियरी बनना शुरू। बेनिफिशियरी स्टेटस यहां से चेक करें ऑनलाइन। देखें इस बार क्या आपको पेंशन का पैसा मिलेगा, यहां से चेक करें। अगर आपने भी वृद्धावस्था पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया हुआ है, पहली बार पेंशन का पैसा मिलना है, तो आप चेक कर सकते हैं कि आपकी बेनिफिशियरी अभी तक बनाई गई है या नहीं बनाई गई है। अगर आपकी बेनिफिशियरी बन गई है तो आपको इस बार पेंशन का पैसा मिलेगा। कैसे आप बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करेंगे, पूरी जानकारी आगे वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ऐसे ही वीडियो की जानकारी पाने के लिए। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है, सरकारी योजना गुरु .in, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे आ पाएंगे तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है नए वृद्धा पेंशनर्स की बेनिफिशियरी बनना शुरू, अब मिलेगा पैसा, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने पूरा आर्टिकल खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि आपको अप्रैल मई और जून की पेंशन का पैसा कब तक मिलेगा, यहाँ पर ये पूरी जानकारी दी हुई, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि बेनिफिशियरी स्टेटस आप कैसे चेक करें। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है, यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है और पेमेंट स्टेटस वाले कॉलम पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है DBT स्टेटस ट्रैकर का, इसी पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज खुल करके आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर कैटेगरी में सिलेक्ट कर लेना है, एनी अदर वाला जो ऑप्शन है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है अपनी पेंशन का, अपनी बेनिफिशियरी चेक करने के लिए। तो यहाँ पर एनी अदर वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करना है तो ये वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, बेनिफिशियरी वैलिडेशन को इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। DBT स्टेटस में आपको बेनिफिशियरी वैलिडेशन इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका है फॉर्म का उसको आपको फिल करना है, जो आपका वृद्धावस्था पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर है उसी को आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद कैप्चा आपको डालना है और इसके बाद आपको सर्च वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च वाले बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने बेनिफिशियरी डिटेल खुल करके आ जाएगी। यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन आईडी, बेनिफिशियरी का नाम आपको देखने को मिल जाएगा, स्कीम कोड, आईएम कोड, इसके अलावा आधार नंबर, यहाँ पर रिक्वेस्ट बेनिफिशियरी बनाने की कब डाली गई आप यहाँ पर देख सकते हैं, 8 मई को यहाँ पर बेनिफिशियरी बनाई गई है, वैलिडेट कब हुई है 9 तारीख को यहाँ पर कन्फर्म कर दिया गया है, वैलिडेट कर दिया गया है, न्यू रजिस्ट्रेशन का बेनिफिशियरी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप चेक कर पाएंगे कि आपकी बेनिफिशियरी अप्रूव्ड है या नहीं। यहाँ पर देखिए बेनिफिशियरी 9 तारीख को भी अप्रूव्ड कर दी गई है, क्रिएटेड हो चुकी है। तो इस तरीके से आप चेक कर पाएंगे कि आपकी बेनिफिशियरी वृद्धावस्था पेंशन के लिए बनाई गई है या नहीं बनाई गई है। बेनिफिशियरी यहाँ पर बनना शुरू हो चुका है, जैसे कि यहाँ पर देखिए कल की डेट में भी बेनिफिशियरी कई लोगों की बनाई गई है। यहाँ पर 16 मई को बेनिफिशियरी रिक्वेस्ट डाली गई जो कि रिक्वेस्ट टाइप अपडेटिंग की है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर जितने भी नए पेंशनर्स हैं, नए रजिस्ट्रेशन हैं, उनकी बेनिफिशियरी क्रिएट की जा रही है, बेनिफिशियरी बनाई जा रही है। आप इस तरीके से घर बैठे चेक कर पाएंगे कि आपकी बेनिफिशियरी अभी तक बनाई गई है या नहीं बनाई गई। यदि आपकी बेनिफिशियरी बन गई है तो इस बार आपको अप्रैल मई और जून की पेंशन में पैसा आपको मिल सकता है, आपकी पेंशन का पैसा आ सकता है। कब आएगा मैंने आर्टिकल में बताया हुआ है, कब आपको अप्रैल मई और जून की पेंशन का पैसा मिलेगा इसमें मैंने बताया गया है, आप इसको पूरा डिटेल में पढ़िए, सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादातर दोस्तों शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।